महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक स्कॉर्पियो को नए अंदाज में पेश करने जा रही है। नई स्कॉर्पियो इसी महीने बाजार में आ जाएगी। कंपनी का दावा है कि इसकी ये एसयूवी मार्केट में बाकी सब पर भारी पड़ेगी, इसलिए कंपनी इसे बिग डैडी ऑफ एसयूवी नाम से प्रमोट कर रही है। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में एलईडी हेडलैम्प, सी शेड, एलईडी डीआरएल और एलईडी फॉग लैम्प होगी। इसका लुक बेहद स्पोर्टी है, जबकि इसकी फ्रंट ग्रिल इसे काफी बोल्ड बनाती है। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आपको सनरूफ, ऑटोमेटिक ORVM, छत पर साइड रेल्स और शार्क एंटीना जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। नई स्कॉर्पियो में मिडिल सीट बेंच स्टाइल की नहीं है। कंपनी ने इस एसयूवी को कैप्टन सीट के साथ लेकर आ रही है। साथ ही पीछे की सीट पर जाने के लिए बीच की सीट को फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने नई स्कॉर्पियो में थर्ड लाइन की सीट पर जाने के लिए अलग से स्पेस दिया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरी तरह से डिजिटल होगा। साथ ही टच स्क्रीन सिस्टम बड़े साइज का होगा। 8 इंच की टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम नई स्कॉर्पियो इंटीरियर को और दमदार बनाएगा। इस फीचर को हम पहले नई एक्सयूवी 700 में देख चुके हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कई सेफ्टी फीचर से लेस होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 14 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है। कंपनी 27 जून को महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लॉन्च करेगी। नई स्कॉर्पियो 2.0 लीटर एम एस्ट्रोलियन 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन से लेस होगी। ये इंजन एक्सयूवी 700 और थार में भी लगे हैं। इसके अलावा महिंद्रा नई स्कॉर्पियो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ आएगी।